खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है। अब फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है। ये खबर बिहार सरकार ने नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट ने दी है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को नियोजित शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 4 महीने के अंदर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की तरह ही नियोजित शिक्षकों को भी सारी सुविधाएं देने का निर्देश दिया है। यदि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर लिया जाता है तो करीब 4 लाख शिक्षकों को बड़ा फायदा होगा। न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने टीईटी एसटीईटी पास नियोजित शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पहले ही ठेके पर नियुक्त पंचायत शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह ही माने जाने के लिए कहा था। अधिवक्ता मुकेश कुमार ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह माना जाता है, लेकिन सारी सुविधाएं राज्य कर्मचारियों की भांति नहीं दी जाती है। शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी मान लिया जाएगा तो रूल रेगुलेशन और वेतन आदि सब सरकारी कर्मचारियों की भांति हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियोजित शिक्षक राज्य के कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं। इसके बावजूद सरकार इन शिक्षकों से दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। आपको बता दें कि 2014 में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी। 2006 में उन्हें शिक्षा मित्र कहा जाता था। बाद में 2010 में शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू कर दी गई। इसके बाद भी वो नियोजित शिक्षक ही कहे जाते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव को 4 महीने में उनके आवेदन पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि नियोजित शिक्षकों की याचिका पर उनके पक्ष में फैसला आया है। इससे पहले 2015 में एक बड़े आंदोलन के बाद नियोजित शिक्षकों के लिए राज्य में नया वेतनमान तो लागू हो गया था, लेकिन उनकी सेवा शर्त की मांग तब से लंबित पड़ी थी। इसको लेकर समय समय पर विभिन्न फोरम पर नियोजित शिक्षक अपनी मांग उठाते रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिली थी कि नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को लेकर सुबगाहट चल रही है। मार्च अप्रैल माह तक इसके आकार ले लेने की संभावना जताई गई थी। हालांकि इस पर मुहर के लिए विभाग से लेकर सरकार के स्तर तक तमाम प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। यदि वित्तीय मामला जुड़ा होगा तो वित्त विभाग से भी सहमति लेनी होगी। सेवा शर्त की सुविधा मिलते ही नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा और वो हेडमास्टर बन पाएंगे। दूसरा बड़ा लाभ नियोजन क्षेत्र से बाहर तबादले का मिल सकता है। शिक्षक देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को संवारते हैं। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आगे चलकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी बनते हैं। इसलिए देश के भविष्य को निखारने वाले ऐसे शिक्षकों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट का फैसला इस दिशा में एक अच्छा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।